अगर आप आपके हर सिचुएशन के लिए हमेशा दूसरे किसी इंसान या फिर किसी आउटसाइड फोर्स जैसे कि लक, भगवान, स्टार्स की पोजीशन, इन सब चीजों को ब्लेम करते हो तो आप एक रिएक्टिव पर्सन हो। और दूसरी तरफ अगर आप खुद के हर सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पसंद करते हो तो आप एक प्रोएक्टिव पर्सन हो। हाईली इफेक्टिव होने के लिए हैबिट नंबर वन है बी प्रोएक्टिव। क्योंकि अगर आप हमेशा एक रिएक्टिव पर्सन की तरह बिहेव करते हो तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि आप खुद की सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से दूसरे किसी इंसान या किसी आउटसाइड फोर्स के हाथ में है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही है, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। ब्लेम उठाओ और दूसरों के कंधों पर डाल दो। दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत एफर्ट की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको हाईली इफेक्टिव बनना है, खुद के सिचुएशंस को खुद बदलना है, तो फिर आपको दूसरों को ब्लेम करना बंद करके प्रोएक्टिव बनने की हैबिट डेवलप करना ही पड़ेगा। आपके मम्मी पापा ने कहा, बेटा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले, तेरा लाइफ सेट हो जाएगा। आपने उनकी बात मानकर एडमिशन ले लिया। अब आप दिल से एक क्रिकेटर बनना चाहते हो और आप में टैलेंट भी है, लेकिन फिर भी डर की वजह से आपने आपकी पेरेंट्स की बात मान ली। अब आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाकर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो और मन ही मन अपने पेरेंट्स को दोष दे रहे हो। क्या आप यही चाहते हो अपनी लाइफ से? नहीं ना, फिर क्यों ऐसा किया? मैं बताता हूँ क्यों किया। क्योंकि आपने बिगिन विद द एंड इन माइंड इस हैबिट को बचपन से डेवलप नहीं किया। आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले ये एक बार भी नहीं सोचा कि इसका एंड कैसा होगा। इसी वजह से अभी आप अपनी पूरी जिंदगी अफसोस करके गुजारने वाले हो। हैबिट नंबर टू है ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। हर रोज आप सोचते हो आज मैं इस बुक की इस चैप्टर को खत्म करूंगा, और फिर पूरे दिन बैठ के पढ़ने की जगह कुछ और ही काम करते रहते हो। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी पराई नहीं हो पाता। इसके लिए आपकी एक बैड हैबिट पुट द फर्स्ट थिंग लास्ट जिम्मेदार है। जब भी आप सोचते हो अभी आपको पढ़ने बैठना चाहिए, तभी आपका माइंड आपको दूसरे किसी काम जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर देता है और आप पढ़ाई को पोस्टपोन करते रहते हो, और ये प्रोसेस पूरे दिन रिपीट होता रहता है और कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाता। आपको इस हैबिट को बदल कर एक नया हैबिट को डेवलप करना होगा, जो कि है हैबिट नंबर थ्री, पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो काम सच में इम्पॉर्टेंट है वो काम पहले करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइफ की गेम्स में जैसे कि बिजनेस या रिलेशनशिप्स, इन चीजों में आपकी जीत के लिए हमेशा दूसरे किसी इंसान को हारना जरूरी नहीं है। यही लाइफ की खासियत है। जैसे कि समझ लीजिए दो प्राइवेट ट्यूटर है, दोनों ही मैथ्स के ट्यूशन देते हैं। अब इनमें से एक संडे को ट्यूशन देता है और दूसरा सैटरडे को ट्यूशन देता है। अब अगर संडे वाले टीचर के पास कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है लेकिन उसे डेट में प्रॉब्लम होता है, तो तब अगर ये संडे वाला टीचर उस स्टूडेंट को सैटरडे वाले टीचर को रेफर कर दे और वो स्टूडेंट सैटरडे वाले टीचर के पास पढ़ने लगे, तो फिर सैटरडे वाले टीचर भी उनके पास आए हुए ऐसे ही कुछ स्टूडेंट को संडे वाले टीचर को रेफर कर देंगे। मतलब अब दोनों टीचर के पास पहले से ज्यादा स्टूडेंट्स होगा। ऐसे सिचुएशन को विन विन सिचुएशन कहा जाता है। हैबिट नंबर फोर है थिंक विन विन। सोचिए आपसे कोई गलती हो गया। अब अगर मैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया आपने, आपसे ये सब पूछे बिना ही आपको उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दूं और आपकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दूं, तो आपको कैसा लगेगा? तो भाई अगर आपको इसमें बुरा लगता है तो दूसरों को भी इससे बुरा लगता है। हैबिट नंबर फाइव है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब हमेशा पहले आप सामने वालों की बातें समझने की कोशिश कीजिए और फिर उन्हें आपकी बातें समझाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी हर सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। आप सोचिए अगर मार्क जुकरबर्ग ये सोच लेता कि मैं अकेले ही फेसबुक की सारे काम संभालूंगा, मुझे और किसी की जरूरत नहीं, तो फेसबुक कभी भी इतना बड़ा और इतना एडिक्टिव नहीं बन पाता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको दूसरों के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, लोगों के साथ मिल के काम करना होगा। आप खुद के घर के बारे में ही सोचिए। अगर आप घर के और बाहर के सारे काम अकेले ही करने जाओ तो क्या सारे काम कभी भी ढंग से हो पाएगा? हैबिट नंबर सिक्स है सिनर्जाइज। आप चाहते हो आज आपने जो पढ़ाई की है वो आपको एक हफ्ते बाद भी याद रहे, या आपके किसी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपका माइंड बहुत ही पावरफुल और आपके कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जैसे कि रोज मेडिटेशन करना, क्या आप वो करते हो? आप चाहते हो आप हमेशा फिट और हेल्दी रहो,
लेकिन क्या रोज आप एक्सरसाइज करते हो? नहीं, हमें तो बस पेड़ काटने से मतलब है। उसके लिए पहले बैठ के कुल्हाड़ी कौन शार्प करेगा? कितनी बेवकूफों जैसी हरकतें हैं। अगर कुल्हाड़ी उतना शार्प नहीं है तो क्या कभी भी उससे कोई भी पेड़ काटा जा सकता है? फिर भी कोई कुल्हाड़ी शार्प करने के लिए तैयार नहीं। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। पूरे दिन में हम जो जो काम करते हैं उसमें से 90% काम हम हमारे हैबिट की वजह से करते हैं। तो अगर जिंदगी की हर फील्ड में आपको इफेक्टिव बनना है तो हाईली इफेक्टिव हैबिट्स को डेवलप करना एब्सोल्युटली जरूरी है। ये 7 स्मार्ट आइडियाज मुझे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवे बुक से मिला है। अगले वेडनेसडे को फिर लौटाऊंगा नए एक यूजफुल टॉपिक लेके। कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।